हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज थोड़ा डिफरेंट वीडियो में आ गए, यानी कि पुराने वीडियो में आ गए, यानी कि मेरा कहने का मतलब है नॉर्मल वीडियो में आ गए। वैसे ये वीडियो दिल छू जाने वाली वीडियो है, क्योंकि एक पर्टिकुलर नेपाल के लिए नहीं बोलूँगा मैं, ये एशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनका नाम है अर्थर गन, दीपेश पोखरियाल। ठीक है, इनका वीडियो है, ये टॉप 7 में है। ग्रेट अचीवमेंट, प्राउड मोमेंट नेपाल के लिए, एशिया के लिए। वेल एंड गुड, क्योंकि मैं एशियन हूँ, आप भी एशियन हैं, उनके लिए सही बात है, प्राउड मोमेंट है। और दूसरी चीज़, मुझे सही बोलूँ, कसम से बोलूँ, मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद है, चाहे मुझे वो अंग्रेजी सॉन्ग समझ में ना आए, जो कि इनका सॉन्ग है Have you वैसे। ever seen the rain? मतलब मेरे गैस, मैं अपना गैस ले रहा हूँ, ये जो गाना है, ये जो लिखा है, ये अगर वही सॉन्ग है तो जॉन फॉगेरटी जी ने गाए लिखा है। और ये ग्रुप दिया था कि ये ग्रुप क्रिडेंस का जो ग्रुप है उनका है। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो गाया काफ़ी लोग ने होगा, बट ये मैंने गाना सुना हुआ है, बहुत पुराना, मतलब बहुत पुराना सॉन्ग है ये, लाइक 70s वाले टाइप का सॉन्ग है। तो यही बोलना चाहूँगा कि इन्होंने जो गाना चूज़ किया है ना, कसम से कह रहा हूँ ऑर्थोगन दीपेश जी, आपने जो भी गाने चूज़ किए ना, दिल छूने वाले गाने चूज़ किए, बिकॉज़ ये पुराने गाने हैं जो आप उसको जगा रहे हो वहाँ पे, और दुनिया का, यानी कि एक पर्टिकुलर नेपाल का नहीं, पूरे पूरे वर्ल्ड का आप दिल जीत रहे हो। यू आर अ डायमंड ऑफ नेपाल, जो आप पूरे दुनिया में शाइन कर रहा है, एंड विच इज़ रियली वेरी प्राउड। ठीक है, ये मैंने पहले बोला नहीं था वीडियो में, लेकिन सीरियसली एक बात, मैं ऐसे डिस्कशन कर रहा था मेरी फैमिली के साथ, तो उन्होंने कहा कि तू रिएक्ट तो करता है नेपाल को, बट जेन्युइनली अगर देखा जाए, अगर उत्तराखंड जीतता है तो ये एशिया के लिए प्राउड मोमेंट रहता है, बिकॉज एशियन के हिसाब से देखेंगे, अभी कंट्री पर्टिकुलर प्राउड तो होगा ही, लेकिन एज अब मैं तो नेपाल से नहीं हूँ, एज एन इंडियन भी नहीं देखा जाएगा, एज एन एशियन मैं बोलूँगा हाँ भाई, हमारा उत्तराखंड है, हमारे नेपाल से आए हुए हैं, वो जीते हैं, फिनाले में आए हैं, फर्स्ट वन, मतलब आई डोंट नो, बट लेकिन उन्होंने, मेरे को ये कहना है कि बस तुम जीत लो यार, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ मतलब इतनी प्योर है, इतनी क्लियर है, लेकिन पुरानी आवाज़ को आप नए में ला रहे हो, रिमेक कर रहे हो उसको अपनी आवाज़ दे के, माई गॉड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमने भी बचपन में सुने हैं, बचपन में मतलब हाँ बचपन में ही सुने हुए हैं ऐसे गाने, और आजकल कौन सुन रहा है? अब न्यू जनरेशन जब रिमेक करके लाता है तो वो चीज़ सुनते हैं, तो आपके दीवाने काफ़ी सारे हैं, एंड पॉपुलैरिटी, सही बोल रहा हूँ, आपकी पॉपुलैरिटी बहुत है। अगर आप देखना चाहते हो, फ्रेंड्स आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आप देखना चाहते हो उनकी कई वीडियोस देख लो, ये जो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है, उसके नीचे कमेंट सेक्शन पढ़ लो, बाय गॉड कह रहा हूँ, काफ़ी लोग ने कमेंट अच्छे अच्छे दिए हैं, मतलब फैंस और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, एंड विच इज़ रियली वेरी प्राउड मोमेंट नेपाल के लिए, मेरे लिए भी एक्चुअली, क्योंकि मैं भी रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं जिन जिनको रिएक्ट करता हूँ कसम से कह रहा हूँ, मतलब इट्स ग्रेट, सीरियसली इट्स ग्रेट। हाँ, और दूसरे लोग पूछ रहे हैं भैया आप नीचे क्यों बैठे हो, तो मैं आज नीचे इसलिए बैठा हूँ, भैया मेरी मर्जी, अब कहाँ कहाँ बैठूँ, अब लग्जरी लाइफ तो है नहीं, जहाँ मिल जाए जगह बैठ जाओ, वीडियो देखना है, एंजॉय करना है भाई, मैं तो एंजॉय करना चाहता हूँ, तो हाँ टांगे दिख रही है मुझे पता है ना, कोई नहीं, घर बैठा हूँ, शॉर्ट्स में हूँ। न्यूज़ वाले पता है आपको, एक्चुअली जब न्यूज़ मीडिया बैठती है ना, वो भी नीचे से ऐसे ही बैठे होते होंगे, ऊपर से ब्लेज़र वो लगा के बैठे होते हैं, पता है आप लोगों को, पता है ना, हम भी वैसे ही बैठे हैं, अब मैं पैर नीचे कर लेता हूँ, नहीं यार मैंने पैंट लगाया हुआ है, सही में पैंट लगा रखा है मैंने तो। ओ, मेरे पीछे पानी की बोतलें दिख रही हैं, वो मैंने इसलिए भरा हुआ है क्योंकि मैं बॉयल्ड वाटर पीता हूँ, तो मैंने बॉयल्ड वाटर की कलेक्शन रख ली है पीछे, वो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, हटा लेना चाहिए था, चलो अब आ गए तो आ गए, और बस ऐसे ही बैठ गया, जहाँ दिखा मुझे ठीक ठाक वहाँ बैठ गया, बस ये बोतलें नज़र नहीं आई मुझे वो। एनीवेज, वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं वीडियो को, और जिनको वीडियो पसंद आता है वो लाइक ठोको, और जिनको पसंद नहीं आता वो डिसलाइक मत ठोको यार, लाइक ही ठोको, डिसलाइक करने वालों को पाप लगेगा। और प्लीज़, अगर वीडियो देख रहे हो कमेंट सेक्शन बता दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो कोई अग्रेसिव, कोई किसी को भड़ास वड़ास निकालने वाला नहीं है, ये अपना म्यूजिकल एंटरटेनमेंट वाला है, तो प्लीज़ इसमें झगड़े वगड़े नहीं है ना, चलो देखते हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ प्रेस प्रेस करने बोलेंगे ना, प्रेस कर दीजिए या दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को, और जिन्होंने नोटिफिकेशन को क्लिक नहीं किया, नोटिफिकेशन के हिसाब से मतलब घंटे को ठोका नहीं है, तो उसको भी प्लीज़ दबा दीजिए, बजा दीजिए और बजाते रहिए, और भैया हमें चाहिए सब्सक्रिप्शन, चाहिए सब्सक्राइब कर लीजिए, परिवार बनो,
और अगर ऊपर पंखा एक्चुअली चल रहा है तो नीचे बाबा बैठा है फॉर रिएक्शन, तो कुछ भी वीडियो में आवाज़ आए तो प्लीज़ अवॉइड इट, एन्जॉय द वीडियो, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ। अगर आप जूनियर हो, इफ़ यू लव ऑथगन, लाइक ऑथगन के लिए भी ठोको और वीडियो देखो। 1 2 एंड हियर वी गो। ओहो, शुरुआत में ब्यूटीफुल नेपाल का स्टाइल पशुपति। डायरेक्टली गाना चालू हो गया क्या? ओके, क्रीडेंस क्लियरवाटर, उन्हीं का ही है। आवाज देखो दोस्तों, आवाज भाई, कौन कहेगा कि भाई उनके फैन है, इनक्रेडिबल सॉन्ग एंड चेंजिंग इट अप एवरी सिंगल टाइम। टेडी पेरी तो पूरी दीवानी है भाई। आहा, यू हैव कार्व्ड योर प्लेस मैन, द बेस्ट परफॉर्मेंसेस, द बेस्ट इन वोकल्स एंड मोर इंपोर्टेंटली द बेस्ट इन स्टाइल एंड पर्सनालिटी। नो मैटर व्हाट हैपेंस फॉरवर्ड, यू टेक दिस स्टार एंड राइड इट ऑल द वे। थैंक यू सो मच मैन, द बेस्ट। लिसन, आई डोंट नो व्हाट पिल यू टुक for today's performance. In my own opinion, you took the winning pill because you came with the last play. It's like you had a last ace up your sleeve. And if you win, I think you should put out that version of the song because it was tremendous. Thank you so much. Yeah. Way to nail every aspect of American Idol. I mean, you have checked every American Idol box that you need to check, in my opinion. I mean, wow. You're a star, you're authentic. If there are any more like you in Kathmandu, please get on the phone and call them and tell them to come out next year, please. So true. Congrats, buddy. We love you. That was Arthur's final shot to win your vote. Khatam. Result aaya hai kya? Iska result aa chuka hai. Ye main video bahut late kar raha hu react. ये तो पर लेटेस्ट वीडियो था भाई। या खुदा, जो भी है भाई, आवाज, मैं जो कह रहा हूँ वही तो जज लोग ने कहा, और मेरे वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं कहते, जज के इंपॉर्टेंट करते हैं। कैडी पेरी तो ऑलमोस्ट पूरी दीवानी थी, मैंने जब से पहला शो से लेके जब देख रहा हूँ, मैं अपडेट निकालता रहता हूँ। और दूसरी चीज, ल्यूक तो यू नो क्या बताएं अभी भाई, सही बात है। वाओ 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 वाओ, पता नहीं वोट कहाँ से हो रहा है, बट स्टिल मैं तो हूँ दीवाना। मतलब दिल जीतने वाला आवाज़ है भाई, उसका दिल जीतने वाला आवाज़, समझे? और सही में बोलूँ, उसने दिल जीत चुका है और मेरा तो यार जीता हुआ है। और उनके नेपाली सॉन्ग्स मैंने देखा था, क्या था उन सॉन्ग का नाम, है राम, टाइटल ही याद नहीं आता। नेपाली सॉन्ग बड़े प्यारे प्यारे गाए उन्होंने। और मुझे एक रिक्वेस्ट और भी था, राजेश नेपाली, अब ये कौन है देखना पड़ेगा, बिकॉज कमेंट जब मैं देख रहा था ना, भाई दीवानगी कितनी है उसमें, राजेश नेपाली के बारे में बात की, कौन है तो बता दो लिंक में अगर हो सके, या इंस्टा में बता दीजिए। और अभी के लिए मैं चलता हूँ, दोबारा मिलते हैं ऐसे वीडियो रिएक्शन में मिलेंगे। देखते रहो, प्यार करते रहो।
अच्छा नहीं लगता अपनी भड़ास भी निकाल लो, लेकिन प्लीज़ अप्यूज़ मत करो भैयो। लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो ख्याल रखो अपना।